From the Islamabad studios of ARP News, it's time for Jameel Farooqui on The Debate. गुड इवनिंग, आपका एडिटोरियल। तुर्क सदर रजब तैयब इर्दवान का दौरा है पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुनिया के दो अजीम मुस्लिम लीडर्स की बात। जिस वक्त उम्मते मुस्लिमा किसी बड़े मुस्लिम लीडर्स की तलाश में थी, रोहिंग्या से लेकर फलस्तीन तक मुसलमान उस वक्त सरापा एहतजाज थे, जुल्म और सितम का निशान बने हुए थे। रजब तैयब इर्दवान वो वाहिद मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने डंके की चोट पर खड़े होकर फलस्तीन से लेकर रोहिंग्या तक तमाम मुसलमानों का साथ दिया और मुस्लिम लीडर होने का सबूत दिया। दूसरे अजीम लीडर की बात करते हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का चर्चा था और कोई उस पर खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान वो वाहिद शख्सियत थे जो यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा पैगाम लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने गए, इस्लामोफोबिया के ऊपर खुलकर बात की। ये वो दो लीडर्स हैं जिनका इकट्ठ पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रजब तैयब इर्दवान का शानदार इस्तकबाल किया, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस तक लेकर गए, तो गाड़ी खुद ड्राइव करके लेकर गए। उसके बाद पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से जब रजब तैयब इर्दवान ने खिताब किया तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर के ऊपर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जिस तरह पाकिस्तान के लिए है उसी तरह तुर्की के लिए है। पाकिस्तान को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश है और वो चैलेंज है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का। उस वक्त जबकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत समेत पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ के जरिए एक बड़ा दबाव डलवाने के लिए तैयार है, उस वक्त रजब तैयब इर्दवान ने खुलकर कहा है कि दबाव अपनी जगह, लेकिन एफएटीएफ के मामले पर वो पाकिस्तान का साथ देंगे। मुतअद्दिद एमओयू साइन हुए हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान लोगों का जो इश्क है वो वालेहाना है, उसको कभी नेगेट नहीं किया जा सकता। मटेरियलिज्म से बहुत ऊपर है और वो पूरी दुनिया इस चीज को एनालाइज कर रही है कि पाकिस्तान और तुर्की एक साथ जब मिल चुके हैं तो एक बहुत बड़ा अलायंस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। और वो दिन जिन दिनों से कबल, यानी ट्रंप अब इंडिया का दौरा करने वाले हैं, उससे पहले रजब तैयब इर्दवान का दौरा पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काउंटडाउन है, और काउंटडाउन उन तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए भी है जो इस खतरनाक हाल के अंदर बजाय एक साथ इकट्ठा होने के दूर दूर से बैठकर मामलात का मुशाहिदा कर रहे हैं। काउंटडाउन से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है इर्दुगान इन पाकिस्तान, हैशटैग इर्दुगान इन पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मुझे फेसबुक ट्विटर दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज का काउंटडाउन। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बैनुल अक्वामी बरादरी में इत्तेहादियों की सफ़ें भी बदल रही हैं। बैनुल अक्वामी फ्रंट्स पर दोस्त बेहतरीन दोस्त और मुखालिफ बदतरीन मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन 21वीं सदी का तकाजा कुछ और है। ये दोस्तियां और दुश्मनियां मईशत से जुड़ी होती हैं, फिर चाहे अमरीका, भारत और इजराइल का इकट्ठ हो या फिर चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की का। लेकिन एक बात तय है कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मुआशी मफादात की दोस्ती से कहीं बालातर हैं। तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लीडर्स बनकर उभरे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बयानिये की शाहिद है। मामला फलस्तीन का हो या फिर डील ऑफ द सेंचुरी के जरिए बैतुल मकदस पर कब्जे का, इर्दवान हमेशा खुलकर बोले हैं। अमेरिका başkanı Trump'ın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin veremeyiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir.
Şam demek, Bağdat demek. Şimdi 100 yılın anlaşması diyorlar. Yarın asıl konuşmamı yapacağım. 100 yılın anlaşması. Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. Where was Israel in 1947? And where is Israel now? Especially between the years 1949 and 1967. Where was Israel and where is Israel now? Look, this is 1947, the land of Palestine. There's seemingly almost no Israeli presence on these lands. The entire territory belongs to the Palestinians. چاہے روہنگیا مسلمانوں کے لیے درد ہو یا پھر شامی مہاجرین کے لیے فی سبیل اللہ شہریت کا معاملہ. Another issue that the world seems to remain indifferent is the humanitarian tragedy Rohingya Muslims are currently facing. The Independent Commission of Inquiry established under the United Nations has recorded the existence of a genocidal intent behind the events perpetrated in Myanmar's Rakhine State. Today, Syria has become a place that hurts the most collective conscience of humanity, and it has become a symbol of injustice. Since 2011, almost 1 million people were killed and 12 million people were displaced. And half of that population were forced to live elsewhere. 3.6 million asylum seekers in our country are mainly from Syria. Rajab Tayyip Erdogan ne duniya bhar ke musalmanon ke dil jeetne mein koi kasar nahi chhodi. Us waqt ke jab alami baradari mein se aksar muslim mumalik Kashmir ke mamle par chup saadhe baithe the, Rajab Tayyip Erdogan ne Wazir-e-Azam Pakistan ki haan mein haan milate hue bain-ul-aqwami forums par Kashmir ke mazloom Pakistaniyon ki himayat ki. What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in. If 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmiri. Turk Sadr Rajab Tayyip Erdogan do roza daure par Pakistan aaye hain. Unka ye daura na sirf muashi ahmiyat ka hamil hai balki mumkina Islami Ittehad se judi kisi nayi tanzeem ke wujood mein aane ka bhi sabab ban sakta hai. Rajab Tayyip Erdogan 2016 mein Pakistan aaye to Pakistan Tehreek-e-Insaf Hizb-e-Ikhtilaf mein thi. Us waqt bhi unhone parliament ke mushtarka ijlas se khitab karte hue Pak Turk dosti ko aage badhane par zor diya. Türkiye ve Pakistan'ın ilişkileri Türkiye ve Pakistan ki herhangi iki devlet arasındaki diplomatik temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz sözde değil, hem sırf alfazdaki hakiki manada iki kardeş ülkeyiz. Rajab Tayyip Erdogan ne haliya daure mein bhi parliament ke mushtarka ijlas se khitab kiya. Pakistan ke awam ne apna pet kaat kar Turki ki jangal nijat ke duran jis tarah hamari madad ki hum kabhi bhi isko forma wosh nahi kar sake na karenge aur apne aur ab bhi aur jis waqt Kashmir bhi hamare liye wahi hai jo aapke liye tha. Har türlü ہم شدید دباؤ دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں بھولیں پاکستان کے ساتھ ازل سے چلنے والے ہمارے یہ برادری تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے کیونکہ ہمارا قوت کا رشتہ رشتہ داری نہیں. اس دائرہ کار میں مجھے دور کے اہم موضوع اے ایف کے اجلاسوں میں پاکستان پر ڈالے جانے والے سیاسی دباؤ کے باوجود ہم پاکستان کی بھرپور حمایت کرنے کا آپ کو پختہ یقین دلاتے ہیں. ان کے حالیہ دورے میں اسلام آباد استنبول سے جڑے تجارتی تعلق پر مبنی متعدد یادداشتوں پر دستخط ہوئے. کئی اہم ملاقاتیں ہوئیں لیکن سب سے اہم بات اس دورے نے عالم اسلام کو پیغام دیا ہے کہ مسلم امہ
عالمی فرنٹ پر تنہا نہیں بلکہ مسلم ممالک کے دو اہم ترین لیڈرز یعنی اردوان اور خان 2020 کے پاکستان میں کل عالم کے مسلمانوں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جس کے ثمرات سے نسلیں مستفید ہوں گی. لیڈیز اینڈ جنٹلمین لیٹس سٹارٹ دی ڈیبیٹ ٹونائٹ. آج کے ہمارے گیسٹ پینلسٹ ان کا انٹروڈکشن. عبد الشکور خان سینئر تجزیہ کار ترکی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہوں گے اور قمر چیما صاحب سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں اپنے تمام گیسٹ پینلسٹ کو ویلکم کہتا ہوں. سب سے پہلا سوال میرا ڈاکٹر رفعت حسین صاحب سے ہوگا. ڈاکٹر صاحب, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا رجب طیب اردوان نے اور ان کا پاکستان میں آنا ہی انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. کس طرح تھا خطاب, کیسا لگا آپ کو اور جو پوائنٹر سامنے آئے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ بہت بہت. میرے خیال میں تین چار بڑی اہم باتیں ہیں جو کہ ہائی لائٹس ہیں ان کا جو ایڈریس ہوا ہے, وچ واز بائی دا وے واز دی فورتھ ایڈریس بائی بائی دی ٹرکش پریزیڈنٹ. دو دفعہ جب وہ صدر بنے اس سے پہلے بھی وہ خطاب کر چکے ہیں. تو اس چوتھے اجلاس کے حوالے سے تین چار باتیں بڑی اہم ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس واضح اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کے بارے میں جو وہاں پہ جو ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور وہ پاکستان کی پالیسی جو ہے کہ وہ اس کشمیر کو ہائی لائٹ کرے, اس کی واضح حمایت کی ہے. تو یہ میرے خیال میں کسی بھی مسلمان لیڈر کو ماسوائے ملیشیا کے جی. جو کے جو مہاتیر صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں, کسی مسلمان لیڈر کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ کشمیر ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بڑا کھل کر بول رہے ہیں پاکستان کا ساتھ دینے کا کہا ہے. اور دوسری بات وہ اسی کے حوالے سے اسی لہجے میں, اسی تند و تیز لہجے میں, اسی شارپ لہجے میں انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی بات جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور اپریشیبل ہے. جبکہ پوری جو جو عرب ورلڈ ہے وہ اس مخمصے کا شکار ہے کہ کبھی ان کو سپورٹ کریں یا نہ کریں, لیکن جو ترکی ہیز ٹیکن اے واضح اسٹینڈ اور وہ شروع سے ہی انہوں نے اس پلان کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور وہ انسٹیڈ آف کالنگ اٹ اے ڈیل آف دا سینچری دی ٹرکش میڈیا اینڈ دی اردوغان صاحب نے کہا جی کہ اٹس اے سیل آؤٹ ڈیل آف دا سینچری. بالکل. اور پھر تیسری بات میرے خیال میں جو آپ نے کہی وہ پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر وہ انہوں نے پاکستان کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے, جو کہ ان کی دو دن کے بعد میٹنگ ہونے والی ہے. اس کے اندر یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ چائنا, ٹرکی اور ملائیشیا مل کے باقی ممالک کے ساتھ لابی کر کے پاکستان کو کم از کم وہ پش بیک کا تو سوال ہی پیدا ہوتا. سب بندیاں تو ہو رہی ہیں جی, یہ سب بندیاں اتحاد تو تبدیل ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کو گرین لسٹ سے بھی نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے جو کہ جو میرے خیال میں پاکستانی عوام کے دلوں کے اوپر کہتی ہے, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو ویسٹڈ انٹرسٹ کے اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے, بٹ اٹ شوڈ بی لکڈ ایٹ فرام دی پریزم آف لو اینڈ میوچل افیکشن. تو یہ میرے خیال میں تین چار باتیں ایسی ہیں جو کہ, لیکن سر ہم اکنامیکل جو گراؤنڈز ہیں ان کو ٹوٹلی اوور رول تو نہیں کر سکتے ساری سچویشن میں, مطلب پوری دنیا میں اگر اتحاد بن رہے ہیں تو ان کے گراؤنڈز یہی ہیں کہ معاشی طور پر آپ کس کا کتنا ساتھ دے سکتے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو ہم اگنور کر نہیں سکتے. لیکن وہی وہ حقائق ہیں جس کو بہانہ بنا کے کشمیریوں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ عرب دنیا آواز نہیں اٹھا رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں اٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف اردوغان, اور صرف اردوغان ہی ان کا اسٹیچر ہے, ان کا ایک مقام ہے پوری عالمی اسلام کے اندر بھی, اور ترکی کی 9th اکانومی ہے آف دی لارجسٹ اکانومی, اس کے وجہ سے ان کا یہ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے اور ظلم اور جو جبر کے خلاف بات کرنا, میرے خیال میں یہ ان کی پریزیڈنسی کا ایک طرح امتیاز رہا ہے اور آج اس کا ثبوت جو ہے انہوں نے پاکستان کی. اچھا اب ایگلز آئی ویو اس کے اوپر کرنے سے پہلے میں ذرا عبد الشکور صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. ترکی سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ لنک پر موجود ہیں. عبد الشکور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ترکی میں استنبول میں انکرا میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کو لے کر؟ دیکھیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ترکی کے اور پاکستان کا جو تعلق ہے باہمی وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صدی پرانا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہمیشہ سے یہ مضبوط رہا ہے. اور ان کے یہاں جانے پر بہت سے جو مقامی میڈیا تھا اس میں پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں نے یکساں کوریج کی اور انہوں نے اسے بہت اہم دورہ قرار دیا.
بہت مثبت اس کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ رپورٹنگ کی گئی اور اس کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے اہم قرار دیا گیا، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، دفاعی طور پہ، اور یہ اس چیز کے اوپر بھی یہاں پہ لکھے گئے ادارے کہ کس طرح ترکی اور پاکستان مل کر بین الاقوامی سطح پر جو مسلم ممالک کو اس وقت مسائل درپیش ہیں، سیریا، عراق، لبنان اور اس کے ساتھ ساتھ لیبیا اور کشمیر جو ہے اس میں کس طرح دونوں ممالک جو ہے وہ یکساں آواز اور مؤثر آواز بن کر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ آگے آ سکتے ہیں۔ رائٹ، اچھا اٹریکشنز ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں جو تعلقات بنتے ہیں وہ خاص اٹریکشنز کی بنیادوں پر ہی ہوتے ہیں، معیشت کو تو اوور رول نہیں کیا جا سکتا، بہت سارے ایم او یوز پر سائن بھی ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن پوری دنیا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہی ہے اور وہ ہے مسلم امہ کے دو بڑے لیڈرز اور دو لیڈنگ ممالک کا اتحاد، اس پر آپ کیا کہتے ہیں عبدالشکور صاحب؟ جی بالکل، یہ اتحاد کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے قائم رہا، بلکہ اس کو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کے جب ماضی وجود میں آنے سے پہلے بھی جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے خلافت کی تحریک میں جو کردار ادا کیا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ ایز اے مسلم برادر کافی مضبوط تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر ایک دوسرے کا ساتھ بھی کھل کر دیا ہے، اور آج بھی جیسے آپ ان کے جو جوائنٹ سیشن کے ساتھ ایڈریس کا آپ نے حوالہ دیا تو پھر یہ بات سامنے ہے کہ یہ آئندہ بھی ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور دونوں یقیناً اسلامی جو ممالک ہیں ان کے اندر ایک اہم مقام، ممتاز مقام دونوں ممالک رکھتے ہیں، اور بات یہ کہ اب وہ دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کو اسٹریٹجائز کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ گفتگو کی حد تک تو یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ عملاً کس طرح ان اہداف کی طرف بڑھا جاتا ہے جو دونوں ممالک اپنے لیے اور دوسرے جو انٹرنیشنل معاملات ہیں ان کے لیے سیٹ کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی رائٹ، ہمارے ساتھ رہیے گا عبدالشکور صاحب، قمر چیما صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ چیما صاحب، آپ نے تمام معاملات دیکھ لیے، پاکستان کی فورن پالیسی درست سمت میں ہے جس طرح سے یہ وزٹ ہوا ہے ترک صدر رجب طیب اردوغان کا، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے، اور جو فورن ڈگنیٹیز پاکستان آ رہے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا امیج تو اچھا جا رہا ہے، اور اردوغان صاحب کا چوتھا وزٹ ہے، پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی حد تک نہیں ہے، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے۔ سو بڑے کم ممالک ایسے دنیا میں ہیں جہاں پہ ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑا پازیٹیو سمجھا جاتا ہے، ایون کہ عرب ورلڈ میں ہمارے بہت سارے پاکستانی موجود ہیں، لیکن زیادہ ایک اچھا جو لوگ ایک دل سے جو پیار کرتے ہیں وہ ترکش عوام سے کرتے ہیں، باقی ممالک سے بھی ہے، لیکن ترکی کے ساتھ ہمارا ایک پرانا ایک 100 سالہ خلافت موومنٹ سے بات شروع کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ترکی کے ساتھ ہمارے حالات اچھے ہیں، لیکن امپورٹنٹ فیکٹر وہاں بھی دیکھنے کا ہے، کیونکہ ترکی اقتصادی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، تو وہ جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ فار ایگزامپل، بھلے میامر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، ترکی کے صدر شامی مہاجرین کا معاملہ، شامی مہاجرین کو ترکی کے اندر جو پناہ دی ہے انہوں نے بڑے بڑے میسو لیول پر، بہت بڑی تعداد میں ان کو وہاں پر شہریت ملتی رہی ہے ایک عرصے تک۔ Exactly. So, میرا خیال ہے ترکی کے صدر نے جو اپنا مسلم امہ میں ایک سٹریچر ان کا بڑھایا وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو باقی او آئی سی، جو ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ٹاپ لیڈرشپ، جو کہ ہمارے عرب اسٹیٹس ہیں، وہ کرنے جن کو کرنے چاہیے تھے وہ تو نہیں کر رہے، یہ تو او آئی سی جو طیب اردوغان صاحب کر رہے ہیں۔ سو میرا خیال ہے انہوں نے اپنا سٹریچر بڑا اوپر لے کے آئے ہیں، اور جو ریسنٹلی جو کوالالمپور میں سمٹ ہوئی وہاں پہ بڑی کھل کھلا کے انہوں نے باتیں کی، اور میرا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا جو ہیں، جس میں کسی حد تک ہم انڈونیشیا اور کسی حد تک ایران کو بھی ڈال سکتے ہیں، ایک نیا مسلم امہ کے درمیان بلاک بن رہا ہے جس کو ہم کہیں گے مسلم ڈیموکریٹس۔ اچھا، جن ان ممالک کے اندر جمہوریت ہے یا انہیں ہائبرڈ ڈیموکریسیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو از دس اے ہائی ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف او آئی سی؟ میرا خیال ہے یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ ہمیں او آئی سی سے نجات لے لینی چاہیے، او آئی سی اپنا کام کرتا رہے، لیکن میرا خیال ہے مسلم امہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر او آئی سی ایز اے پلیٹ فارم ہائی جیک ہوا ہے اور وہ کام نہیں کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ جو اسلامک اسٹیٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں بیکاز آف ان کے جو اپنے پولیٹیکل کمپلشنس کی وجہ سے۔ سو میرا خیال ہے کہ طیب اردوغان صاحب اور عمران خان صاحب اور جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں مہاتیر صاحب، یہ ایک نئی شیپ دینا چاہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایک نئی شیپ دینا چاہتا ہے۔ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جتنا مسلم امہ کو نقصان گلوبل وار اگینسٹ
टेररिज्म में यह हुआ कि मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया और इस्लामोफोबिया की टर्म्स मगरब में आई, मुसलमान उसका जवाब नहीं दे सके मगरब को। सो इमरान खान साहब, तैयब उर्दगान साहब और ये जो महातीर साहब है, ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है और हमें इस तरह सेकेंड ग्रेड ग्लोबल सिटीजन ट्रीट ना किया जाए। सो मैं समझता हूं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज करेगा, आज नहीं तो कल। एब्सोल्युटली राइट, कमर चीमा साहब साथ रहिएगा, डॉक्टर रिफा हमारे साथ हैं, अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन उजार, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जब जब पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा को, चाहे उनके ताल्लुक रोहिंग्या से हो या पैलेस्टाइन से हो, जरूरत पड़ी तो रजब तैयब उर्दवान ने खड़े होकर बबांगे दोहल उनका साथ दिया, और जब इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करने की जरूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी पीछे नहीं रहे। यूएन जनरल असेंबली में जिस तरह मुस्लिम उम्मा का मुद्दा पेश किया गया, शायद तारीख में पहले उस तरह नहीं पेश किया गया, और सेम इज द केस विद कश्मीर इशू, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इस्लामोफोबिया की बात हो रही थी और क्रेडिट देना बनता है, चाहे महातीर मोहम्मद हो, चाहे इमरान खान हो या फिर रजब तैयब इर्दवान, इन सब का अपना अपना इसमें किरदार है। और इस पर बात करते हैं जनाब डॉक्टर रिफत हुसैन साहब से। डॉक्टर साहब, फॉरेन पॉलिसी हमारी, अब जाहिर है कि इस्लामोफोबिया के ऊपर तो इन सब का एक ही स्टांस है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत सारे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस से निकल पाई है या अभी भी हम उसके नरगे में हैं? जी, मेरे ख्याल में हम अभी तक उसी के नरगे में हैं, और उसकी बुनियादी और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कुआलालंपुर समिट के दौरान हमने उसमें शिरकत ना करके इस बात का वाज़े सबूत मुहैया किया है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट या उस अरब लॉबी के कब्ज़े में है, उसके हिसार में है, और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस स्टांस लेने की जो ख्वाहिश है वो उस ख्वाहिश को दबाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर जब ये दोबारा वहाँ कुआलालंपुर गए तो उन्होंने उस बात का वाज़े इजहार भी किया, और ये मेरे ख्याल में एक जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसकी अफवाज और जिसकी जो पुलिस और जिसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अरब ममालिक की इतनी ज़्यादा मदद कर रही हैं, वहाँ पे उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग हो, उनकी नेवी की ट्रेनिंग हो, उसके हर मामले में, तो वो फिर इस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमान ममालिक की हक की बात ना करे। इस्लामोफोबिया जो है वो तो वेस्ट की तरफ से आ रहा है, उसका मकसद भी वेस्ट की तरफ से है, लेकिन उसके हवाले से जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म बनाने की एक कोशिश की गई है, उसको भी नाकाम बनाने के अंदर मेरे ख्याल में अरब ममालिक का काफ़ी हाथ है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अर्दोगान साहब इस वक्त पाकिस्तान के चौथी मरतबा तशरीफ लाए हैं, इनके दौरे के नतीजे के अंदर इस अमल को एक्सेलरेट करने में मेरे ख्याल में हमें लेकिन डॉक्टर साहब जो OIC का किरदार होना चाहिए था, ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले के ऊपर, फिर फलस्तीन का जो डील ऑफ द सेंचुरी प्लान ट्रंप ने डिवाइस किया और पेश किया, प्रजेंट किया, उसकी खुलेआम मुखालफत रजब तैयब अर्दोगान ने की, पाकिस्तान ने भी की। जी देखिए, ट्रंप के प्लान के बारे में उसकी किसी किस्म की कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि उस प्लान को कंसीव करने के अंदर जो फलस्तीनियों का कुलीदी रोल है उसको टोटली इग्नोर किया गया, और फिर उस प्लान को इस भोंडे तरीके से पेश किया गया कि वो लगता है कि ये एक जो है वो जोश और वो अमेरिकन जो अलायंस है उसके नतीजे में ये प्लान वजूद में आया, और आपने देखा कि जब पुशबैक हुआ उसके ऊपर, उसके नतीजे में वो कुछ अरब ममालिक जो कि पहली दफ़ा जब ये प्लान ट्रंप पेश कर रहे थे वाइट हाउस के अंदर उनके साथ खड़े थे, उन्होंने भी थोड़ा सा उससे अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। तो मेरे ख्याल में, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानियों के लिए और तमाम इस्लामी ममालिक के लिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वो है यरूशलम का, जी। उसके ऊपर इसराइल की अनडिवाइडेड सॉवरेंटी को तस्लीम करके वो मेरे ख्याल में वो इस प्लान के जरिए मुसलमानों के मुंह के ऊपर एक तमाचा मार रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और जो ममालिक जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया है मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके अंदर तैयब अर्दोगान ने आज पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जिस तरीके से उसकी मजम्मत की है वो मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है, और ये पूरी दुनिया का रिएक्शन या हुकूमतों का रिएक्शन कोई भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में आवाम दिल से वो ना इस प्लान की हमायत करते हैं और ना इसको एक्सेप्ट करेंगे और ना इसको लेजिटिमाइज करेंगे।
अब्दुल शकूर खान साहब को शामिल करते हैं। शकूर साहब, डील ऑफ द सेंचुरी के ऊपर रजब तैयब अर्दोगान साहब का यहाँ जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था उसमें भी खुलकर बयान सामने आया है और उन्होंने जिस तरह खुलकर बात की है शायद मुस्लिम उम्मा के बहुत ही चीदा चीदा एक दो लीडर्स ही हैं जो इतना खुलकर बात करते हैं। टर्किश पब्लिक भी इस मामले को लेकर, बैतुल मकदस के मामले को लेकर इतना ही सेंसिटिव है अब्दुल शकूर खान साहब? जी बिल्कुल, जो लीडर होता है वो किसी भी कौम के जज्बात की तर्जमानी करता है, तो इस मामले में आपको तैयब अर्दवान साहब के हवाले से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अपनी कौम की तर्जमानी कर रहे हैं। इससे कबल जो बात हो रही थी मैं उसमें थोड़ा सा अपना टू सेंट्स अपने डालना चाहूँगा, वो ये था कि देखिए आपकी मईशत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी कंसिड्रेशन बहुत बढ़ जाती हैं। इसी वजह थी कि ये जैसे कोलालंपुर की इन्होंने बात की वहाँ पर वो नहीं गए, मैं किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं ममालिक के नाम लेके आपको बताना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हमें हमारे जो उनसे मुफादात वाबस्ता हैं बहुत तवील अरसे से हैं और लग रहा है कि अभी कोई हमें रास्ता आउट वे आउट हमें मिल नहीं रहा। बोले, वो मुल्क सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, और ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जो मेन इनका मैं नाम ले रहा हूँ, इनके साथ बाद में मिस्र भी मिला हुआ है, कुछ और ममालिक भी इन्होंने मिला के साथ में, तो इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ये वहाँ पे अपनी मोनार्की को तहफ़ देने के लिए ऐसे बहुत से इकदाम इन्होंने किए हैं जिनकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसमें अपनी वो जो एक बादशाहत को कायम रखे हुए हैं और उसकी वजह से एक तो इत्तेहाद का जो शिराजा आपको बिखरा हुआ नजर आता है इस्लामी मुमालिक में, उसके लिए एक बड़ी अहम वजह है। अगर आप इसकी जड़ों में देखेंगे तो और सऊदी अरब ठीक है, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अहम और मुकद्दस मुकाम है, हमारी सारी जो वाबस्तगी है वहाँ से, आपको उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आपको पता है वो हमारे लिए क्या क्या अहम चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और हकीकत है सऊदी अरब से मुताल्लिक कि उनके पास तेल का पैसा है और वो उस तेल के पैसे को जहाँ चाहें और जैसे चाहें वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि किस तरह हम इस तरह के ममालिक के, पहले हम बात करते थे IMF की, पहले हम बात करते थे अमेरिका की, कि हमारे जो मफादात हैं हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो उनके माशी इमदाद के ताबे हैं, तो अब तो नौबत ये आ गई है कि हमारे अपने जो भाई मुल्क, जो ब्रदर मुल्क जिनके हवाले से काफ़ी हसास मामलात हैं, मैं समझता हूँ लोकल TV चैनल्स के जो आप कह सकते हैं उसके ऊपर जो कदगने हैं उसके हवाले से भी मैं जहन में रखते हुए चाह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा बात ना करूँ, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जब तक ये सूरत हाल प्रिवेल करती रहेगी आपको बातें तो शायद बहुत सी नज़र आएँ और ज़ाती हैसियत में लीडर्स बातें करेंगे लेकिन एक जो इज्तमाही रिस्पॉन्स होगा, जो एक इज्तमाही रद्द अमल है, उसकी कमी हमें नज़र आती रहेगी और जब तक वो कमी रहेगी उस वक्त तक आप इस चीज़ की तवक्को ना करें कि कोई बड़ी तब्दीली हम लेकर आ जाएंगे। ये बिल्कुल अर्दवान साहब का जो दौरा है वो ऐसा ही है कि वो अपने एक दूसरे अपने उसको सेकंड होम कहते हैं, वो तमाम तुर्क जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान को जी, वो वहाँ गए हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जहाँ पे वो आगे बढ़कर बात कर सकें। थोड़ी देर पहले मैं चीमा साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक बीच में जिक्र किया जिसको भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ईरान का और इसका और फलां का ये ब्लॉक जो इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उनका एनालिसिस से मैं इतफाक इसलिए नहीं करता हूँ कि ईरान ही का तो मसला है, ईरान की वजह से ही तो सऊदी अरब जो है वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनने देता जहाँ पे उसको ईरान नज़र आ रहा हो, ये उनकी अपनी इलाकाई जो जंगें हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लड़ी जाती रही हैं अब भी चल रही हैं और पता नहीं कब तक चलती रहेंगी, तो इस तरह का कोई ब्लॉक की सिचुएशन नज़र नहीं आती है। उसकी वजह यह है फिर वक्त क्योंकि OIC को बचाने के लिए, बल्कि उनका सबसे बड़ा इतराज़ ये था कोलालंपुर समिट के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान का जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं लेकिन ऑफकोर्स वो वहाँ पे तमाम मामलात को जो है उमूर को देख रहे हैं। उनको उनका जो मेन ये था कि वहाँ पे ईरान है इसलिए आप मत चाहिए और हम नहीं गए, तो हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि किस तरह हम अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर और जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, तो उसके लिए हमें अपने मुल्क की जो सूरत हाल अंदरूनी सूरत हाल है हमें उसको देखना होगा क्योंकि अंदरूनी सूरत हाल ही असल में आपकी खारजा पॉलिसी के साथ भी लिंक होती है, वो डिसाइड करती है आपके जो अंदरूनी सलामती है, जो अंदरूनी हालात हैं, सियासी हालात हैं, अगर वो अदम इस्तेकाम का शिकार हैं और लोग जो आपके अपने खुश नहीं हैं तो आप इंटरनेशनल फोरम पर जितनी मर्जी बातें कर लें वो नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात ही है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपकी बात में से ही एक बात और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज़रूर इसमें करेक्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें टर्की की इसराइल के साथ ट्रेड्स हैं और ख़ासतौर पर वेपनरी को देखा जाए, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखा जाए। जब उस तरफ आप जाते हैं तो फिर दो मुख्तलिफ चीज़ें आप पैरेलल लेके नहीं चल सकते। आई मीन ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक के किरदार के ऊपर सवालिया निशान है, तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे खान साहब?
हाँ बिल्कुल, इस पे कमेंट करना चाहूंगा और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बल्कि अच्छा किया, मैं इस बात करना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा तवालत का शिकार ना हो जाए मेरी। नहीं आप बोले बोले, टाइम है हमारे पास। ये 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 एक और बड़ी मिसाल है, एक बड़ी वाज़े मिसाल है इस चीज की कि दुनिया में मुमालिक किस तरह, ना सिर्फ ये कि उनके उनके साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके, बल्कि बड़ी बाकायदगी के साथ बहुत से तुर्क जो है वो मकबूजा बैतुल मक़द्दस जाते हैं, मस्जिद अक्सा जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का, हमने तो ताल्लुकात वहाँ खत्म किए हैं उनके साथ, किसी किस्म का कोई हमारा मामला नहीं है उनके साथ, इसलिए अभी भी बल्कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा यहाँ पे उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया जिसके तहत जो है वो गैस पहुँचाई जाएगी मुख्तलिफ मालिक को यहाँ से आपको मेडिटेरेनियन सी के जरिए। तो ये सारा चीज़ें और उसके अलावा बहुत सारी इनकी आपस में दो तरफा तजारत है, लेकिन आप नोट कीजिए कि क्या उस तजारत ने एक लम्हे के लिए भी सदर अर्दवान को उन पर तनकीद करने से रोका? नहीं। तो उसका क्या मतलब है कि ये गट्स आप में होने चाहिए, ये लीडरशिप की क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, ये आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि इस चीज़ की आपको इजाज़त दें। जैसे कहा जाता है कि कप ऑफ टी बिजनेस इज बिजनेस, तो अब ये मामला हमें यहाँ पर नजर आता है कि जहाँ पे उनके मामलात हैं, उनके असूली इख्तलाफात हैं, वहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन तुर्की एक मजबूत मईशत है इस खत्ते की मिडल ईस्ट के अंदर, उनकी जो जोग्राफियाई अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, ना तो इसराइल उनको निगलेक्ट कर सकता है ना तुर्की को इसकी जरूरत पेश आई है। क्या हो जाएगा अगर तुर्की उनसे तजारत बंद कर लेगा तो क्या नुकसान उनका हो जाएगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि असूल की बात है तो प्रेजिडेंट अर्दवान तजारत जारी रखे हुए भी वो बात कर सकते हैं जो कि उन्हें करनी चाहिए। अगर आपकी मईशत मजबूत नहीं होगी तो आप जमील फारूकी साहब उस पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे कि आप किसी के साथ। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वैलिड पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर बाकी दो पैनलिस्ट से उनका जवाब लेना बड़ा जरूरी है, और डिस्कशन बड़ी मजेदार होती जा रही है। बहुत जबरदस्त बात आपने की है कि आप कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी और बिजनेस इज बिजनेस, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। खातिन यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो कमर चीमा साहब से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और उनके शकूर खान साहब के कमेंट के ऊपर जवाब लेना बड़ा ज़रूरी बनता है, और डॉक्टर रिफत साहब से ये पूछना भी बड़ा ज़रूरी है कि माजी में हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये करते रहे हैं कि जब भी जॉइंट सेशन होता था तो वो उससे उठ के चले जाते थे अपोजिशन के तौर पर, लेकिन इस दफ़ा एक बड़ा ही एक इतिहाद देखने को मिला है अपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी, ये कितना पॉजिटिव साइन है इमर्जिंग पाकिस्तान के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अब्दुल शकूर खान ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया और दो अहम बातें की, एक तो कमर चीमा साहब के हवाले से कि जो ब्लॉक बनने के हवाले से बात कर गए कमर चीमा साहब, उस पर उन्होंने कमेंट किया कमर साहब, एक तो उसका जवाब, दूसरा ये पॉसिबल है कि आइडियोलॉजी आपकी उसी समत में चल रही है और उसी समत में आप बिजनेस भी करते जा रहे हो एक मुल्क के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों साथ साथ भी चलते जाएं और तनकीद भी चलती जाए? थैंक यू वेरी मच। देखिए पहली बात तो ये कि जो मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, देखिए मगरब किन वैल्यूज़ के ऊपर, शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी, हम ह्यूमन राइट्स और वो वैल्यूज़ जिसमें हम ख़वातीन को आज़ादी की बात करते हैं, उन वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा हुआ मगरब। क्यों यूरोपियन यूनियन इकट्ठी और अमेरिका इस वक्त मिल के एक ग्लोबल पॉलिसी बनाते हैं? मुसलमानों का क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों के पोलिटिकल सिस्टम एक नहीं है, इसीलिए कहीं पे अथॉरिटेरियनिज्म है, कहीं पे डिक्टेटर बैठ जाते हैं, कहीं पे जाके हाइब्रिड डेमोक्रेसीज हैं, कहीं आइडियोलॉजी है। सो मैं कहता हूं पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ये ऐसे ममालिक हैं, इवन कि मैं ईरान को इसलिए डालता हूं और मैं इंडोनेशिया को भी डालता हूं, और मैं साथ में कहता हूं ये हाइब्रिड डेमोक्रेसीज हैं, ये प्रॉपर डेमोक्रेसीज नहीं है। लेकिन यहां पे जमहूरियत किसी हद तक मुस्लिम उम्मा के उन ममालिक हैं जहां पे जमहूरियत किसी हद तक मौजूद है। सो इनका ऑटोमेटिक देखें, इस्लामोफोबिया पे बात पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया क्यों कर रहा है और ईरान क्यों कर रहा है, बाकी मुस्लिम ममालिक ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? सो मुझे लग रहा है कि इन ममालिक का जो ताल्लुक है वो उन शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर है जो कि जमहूरियत या हाइब्रिड डेमोक्रेसी इनको देती है, इसीलिए इनके दरमियान बात बात शकूर खान साहब ने वो भी किसी हद तक मेरे ख्याल में दुरुस्त की है। देखिए उनका अपना वो मौशी तौर पर जो बात कर रहे हैं उसको हम निगेट तो नहीं कर सकते। मौशी तौर पर एक और एंगल है, वो उसकी बात अलहदा करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ममालिक क्यों इकट्ठे होंगे और OIC क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रही। तो जैसे जैसे देखिए तुर्की और मलेशिया इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए तो ये जो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो कर रहे हैं और हम कोलालमपुर नहीं गए और OIC और अरबों की बात मान ली, हम आइंदा नहीं मानेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी होती तो वो ब्लॉक ऑटोमेटिक बन जाना था, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाती थी। दूसरी बात,
पाकिस्तान और तुर्की की बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की ट्रेड बायलैटरल ट्रेड 1 अरब डॉलर से भी कम है, तकरीबन 750-800 मिलियन डॉलर है, 1 अरब डॉलर से कम हो गई है। सो तुर्की ने पाकिस्तान के ऊपर कारोबार नहीं देखा, उन्होंने प्रिंसिपल इश्यू के ऊपर स्टैंड लिया है। अगर ट्रेड के वाले से देखा जाए तो ट्रेड तो है ही भाई कोई नहीं उनके साथ। तो इसके इसका मतलब है कि टर्किश जो गवर्नमेंट है वो मलेशिया, वो अपना फलस्तीन हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, वो प्रिंसिपली डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कौन से, इसी तरह वो इसराइल के साथ भी प्रिंसिपली बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। सो ये उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है जो उनको मजबूर करती है कि वो अपनी एक ओपन फॉरन पॉलिसी रखें, इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी। राइट, डॉक्टर रिफत साहब, आपका पॉइंट इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये कि आप कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी और बिजनेस इज बिजनेस इसको साथ ले लेके चलें, आइडियोलॉजी भी चलती रहे और तनकीद भी? देखिए, मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जब आप कप ऑफ टी को कप ऑफ टी कहते हैं, बिजनेस को बिजनेस कहते हैं, उसके दरमियान एक टेंशन है, एक नेचुरल टेंशन मौजूद है, क्योंकि जिस वैल्यू स्ट्रक्चर के ऊपर आप चल रहे हैं और कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो कि प्रैग्मेटिक है और जिसके अंदर आपके इक्तिसादी तलकात या मुआशी तलकात या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी और या सफारती तलकात जो हैं वो अगर उस डायरेक्शन के साथ नहीं जा रहे तो उसके अंदर एक टेंशन होती है। लेकिन इश्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है और आपका जो प्रैग्मेटिक स्टांस है उसके हवाले से क्या है। तो अर्दोगान साहब ने आज ख़ास तौर पे उसकी तरफ इशारा भी किया जो कि मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट क्लू ऑफर करता है उस डिस्कशन के वाले से जिसके कारण उन्होंने कहा जी कि तुर्की के तलकात जो हैं, पाकिस्तान और तुर्की के बामी तलकात वेस्टर्न इंटरेस्ट के बुनियाद के ऊपर नहीं है, दे आर बेस्ड ऑन का नाम दिया उन्होंने इसको, हाँ जी, बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुर्की के और पाकिस्तान के वैल्यू स्ट्रक्चर के वाले से बात आ जाएगी तो वो फिर तुर्की भी उसके अंदर जो है वो अपना पूरा हिस्सा डालेगा। और उन्होंने ये बात क्या कि तुर्की के लिए पाकिस्तान में क्या अट्रैक्शन है? डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम है, मुझे 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट पूछने हैं आपसे। जी जी, पाकिस्तान में तुर्की के लिए क्या अट्रैक्शन है? देखिए, पाकिस्तान की अट्रैक्शन ये है कि हमारे शहरियों को ड्यूल नेशनैलिटी का कह दिया है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं नहीं, वो उस तमाम चीज़ को भूल जाइए, जैसे शकूर साहब ने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं कि ये मामला जो है वो काफ़ी पुराना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ये दो वाहिद जो ममालिक हैं जिनका बाहमी रिश्ता जो है वो इट्स बियॉन्ड मटेरियलिज्म है और देयर इज नो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके हवाले से मेरे ख्याल में तुर्की और पाकिस्तान के तलकात को एक खास अहमियत हासिल है। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये 1964 के अंदर जब RCD बनी थी, हाँ, उस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के हवाले से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वो सीटो सेंटरों की बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ। और वो सारे का सारा जो एक जो वर्ल्ड व्यू है, हाँ, जिसको आज हम बेल्ट और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के वजह से याद करते हैं, वो उसी प्लान का एक हिस्सा था। लेकिन बाद में फिर वो जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया तो वो सारी राहें जो है वो आपके लिए मसदूद हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में तुर्की का अभी भी एक बहुत बड़ा रोल है टू ऑफरिंग इन ऑफरिंग पाकिस्तान ए लैंड रूट थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू ईरान एंड ऑल द वे टू यूरोप, तो जिसको हमने सीरियसली परसू करना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान एक जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। और तुर्की का आपको पता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर भी उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अगर सेंट्रल एशिया के हवाले से आप ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको तुर्की कैन बी बिकम पार्ट ऑफ दी सी पैक, और उसके बाद से पाकिस्तान की वो काफ़ी मदद भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में व्हेन वी आर लुकिंग फॉर मटीरियल हेल्प, तो मेरे ख्याल में शायद ये एक लॉजिक हो कि मटीरियल हेल्प के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमें अरब ममालिक की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन टर्की इज ए मच बिगर मार्केट और उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शकूर साहब ने एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त रेज किया था सर, वो मैंने आप क्विकली आप इसको रिस्पॉन्ड करेगा, फिर मैं शकूर साहब के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कब स्ट्रेंथन होगी आपकी इकोनॉमी? जी देखिए, पॉइंट बड़ा वैलिड है उनका। जी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल इतने फ्लॉज हैं, इतने बॉटलनेक्स हैं। और वो स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट बैंक की अगर आप प्रेडिक्शन देख लें तो वो कह रहे हैं कि अवर इकॉनमी इज लाइकली टू ग्रो नॉट मोर देन 2.2%। उसको भी हफीज पाशा ने काफ़ी चैलेंज किया, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है ये ग्रोथ रेट जो है, तो दिस इज इफ वी आर लाइकली टू ग्रो एट दिस पेस
और वो हमारी इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारे ऊपर कर्जों का बोझ तला हुआ है, तो वो फिर जो है पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में दिगरगू है। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ पुश करने की जो कोशिश इंडिया कर रहा है उसका काउंटर जो है वो इसी सूरत में है कि पाकिस्तान इन बड़े ममालिक इस्लामी ममालिक जिसके अंदर तुर्की है, मलेशिया है, और वो और इसके वजह से उनकी हमारी हासिल करें। और एक बात मैं क्विकली सर, मैं शुक्र साहब की बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि FATF के ऊपर जितनी खुल के तुर्की ने हमारी हिमायत की है, इफ वी गेट आउट ऑफ दी FATF ग्रे लिस्ट विद हेल्प ऑफ टर्की, चाइना एंड मलेशिया, तो आई थिंक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत ही मुस्बत कदम होगा। अच्छा अब्दुल शकूर खान साहब, अब आपने सबकी राय सुन ली, एक तो इनके कमेंट्स के ऊपर एक छोटा सा कमेंट और एक आखिरी कमेंट इस बात के ऊपर भी आपसे लेना चाहूंगा कि ट्रंप के मुमकिन दौरे भारत से कबल रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आए हैं, तो ये कितना बड़ा मैसेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि मुस्लिम ममालिक में 3-4 ममालिक ऐसे हैं जो अब भी एक साथ खड़े हुए हैं और किसी भी मामले के ऊपर सर जोड़कर बैठ सकते हैं। खान साहब, दो तीन चीज़ें सॉरी मैं कहता चलूंगा, उसमें जो सबसे पहली चीज़ यह कि अगर आपने एक अच्छा आज पॉइंट था, ये मुझे बड़ा इस हवाले से हमेशा फैसिनेट यहाँ भी करता रहा कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी आप देखिए कि सीरिया के अंदर रशिया और तुर्की ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने खड़े हैं उस मामले के ऊपर, क्योंकि वो रशियन जो है वो बैक कर रहे हैं असद को, ये कर रहे हैं रेबल्स को, और तकरीबन रोजाना इनकी एक लम्हे के लिए भी इनकी तजारत नहीं रुकी। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी इतना अहम है कि AI to AI। लेकिन हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह हमारे ऐसी कौन सी नजरियात आ गए हैं कि हम उनसे आगे जाके और सारा कुछ अपना ख़त्म करके तो बस वो हर वक्त तैयार रहते हैं कि हम कोई जज्बाती बात कर लें, जज्बाती बात नहीं करनी। ट्रंप के ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिएगा शकूर खान साहब, फिर मैं आखिरी कमेंट जी। देखिए ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन ऑफकोर्स ये तो ट्रंप आए या कोई और आए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का और तुर्की का जो आपस में ताल्लुक है वो यकीनन, और ये देखें इस तरह का ताल्लुक बहुत कम होता है, ये बड़ा रेयर ताल्लुक होता है जहाँ पर आप मादी मुफादात से उठकर ऊपर बालातर होकर कुछ करते हैं, तो ये ताल्लुक आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। हमें इस चीज को देखना होगा, अपना हाउस ऑर्डर में करना होगा, हाउस ऑर्डर में करना होगा। कमर चीमा साहब, योर क्विक कमेंट ऑन दैट। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ शकूर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पाकिस्तान में भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। देखिए पूरी दुनिया में इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। मैं कहता हूं मुस्लिम उम्मा में वो ममालिक जहां पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी है ये उस OIC के प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे। और पाकिस्तान के जो आप लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, और सिर्फ इकोनॉमी पे काम हो रहा है, और मुझे बड़ा यकीन है अगले 3.5 साल और अगले 5 साल पाकिस्तान कोई जंग नहीं लड़ेगी। अब जंगे नहीं हमने करनी, हमने 70 साल जंगें की हैं, अब इकोनॉमी पे फोकस करना है। अब्दुल शकूर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तुर्की से हमारे साथ मौजूद थे। कमर चीमा साहब आपने वक्त निकाला, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिफत हुसैन बड़े धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, आपने वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर बातों से कतई नज़र एक बात करना ज़रूरी है कि रजब तैयब एर्दोगान साहब तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान, और इस दौरे में जॉइंट सेशन से जो उन्होंने खिताब किया, इस खिताब के दौरान अपोजिशन भी मौजूद थी, गवर्नमेंट भी मौजूद थी, और तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे जिनका मौजूद होना ज़रूरी था। दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन, वेरी गुड साइन, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एडिटोरियल से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।